Hello everyone, welcome again. So in the last session we studied about cyclic hydrocarbon. Now in this session we are going to study about nomenclature. So let's start with it. So what is nomenclature? Nomenclature is a system of assigning names to organic compounds. So basically we have millions of organic compounds. Now in order to assign a name to it, we need to follow certain system, and that system is known as nomenclature. Now the question arises, why do we need nomenclature? So large number of organic compounds are present and we need to name them systematically. That is the reason why nomenclature is done. Now initially we were having the trivial system in order to name the compounds. So trivial ka matlab kya hai ki hum us system mein kya karte the ki hum dekhte the ki koi sa compound kaise occur hua hai. For example, agar hum baat karte hain methane ki, so methane was named as marsh gas. Why? Because jo methane hai, that was obtained from marshy places. That is why methane was initially called as marsh gas. If I talk about acetic acid, so acetic acid is derived from the Latin word acetum, and acetum kya matlab kya hai? Vinegar. So vinegar mein acetum hota hai, that is why the name of acetic acid was. However, the nomenclature was systemized by the chemist of IUPAC in 1957. So abhi hum dekhte hain ki kis tarike se hum naming karte hain organic compounds ki. So अभी कभी भी आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी हो, सबसे पहले यू विल चेक फॉर द रूट वर्ड. अब ये रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्टेड. तो आपके पास कार्बन कंपाउंड की चेन होगी, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन से निकल के आती है उसमें से, वही आपका रूट वर्ड होगा. सेकेंड आप देखोगे इसका सफिक्स क्या होगा. अब सफिक्स आपको क्या बताएगा? सफिक्स बताएगा कि अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में आपका एन आएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो लास्ट में ईन आएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में आइन आएगा, और अगर कोई ग्रुप है, सपोज अल्कोहल है, तो लास्ट में ओएल आएगा. तो आप ई को रिप्लेस करके ओएल लिखोगे, या अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो आप ए लिखोगे, एंड सो ऑन. अब बात करते हैं प्रीफिक्स की. तो क्या होता है, कभी कभी आपकी जो चेन होती है उनमें ब्रांचेस होते हैं या फिर उनमें हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, तो उनको आपको एज अ प्रीफिक्स लिखना होता है बाय मेंशनिंग द पोजिशन जिस पोजीशन पे वो प्लेस्ड है कार्बन चेन में. सो वो होता है प्रीफिक्स. सो हमेशा आपको प्रीफिक्स नहीं मिलेगा, बट रूट वर्ड्स और सफिक्स आपको हमेशा मिलेंगे. प्रीफिक्स, इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट एंड इट्स पोजीशन. सब्स्टिट्यूएंट क्या है? जो ब्रांच है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं. नाउ लेट अस सी द रूल्स जिनको हम फॉलो करके नेमिंग करते हैं. नाउ दीज आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक. आप इनके प्रीफिक्स और सफिक्स देख लीजिए. तो हैलोजन जो है वो प्रीफिक्स के फॉर्म में होता है, और एल्कोहल इज इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स जो कि है ओएल, एल्डिहाइड एएल. तो जहाँ भी एएल होगा किसी कंपाउंड में, इसका मतलब है उसमें एल्डिहाइड है, सो दैट्स अ एल्डिहाइडिक कंपाउंड. अगर किसी में ओन है, ओ ए नी, तो वो मतलब कीटोनिक ग्रुप का है. ठीक है, कार्बोक्सिलिक के लिए आपके पास ओइक एसिड आएगा एज अ सफिक्स, और डबल बॉन्ड वी नो इट्स ईन, एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड इट इज आइन. सो लेट अस सी द सिंपल रूल दैट नीड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो पहला रूल, इट सेज दैट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम नोन एज पेरेंट चेन इज नीड टू बी सिलेक्टेड. और जरूरी नहीं है कि वो लॉन्गेस्ट चेन जो हो वो स्ट्रेट हो. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक चेन है कुछ इस तरीके से, और ये कुछ और आपके पास कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, आप देखोगे कि किस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन को मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ. तो अगर मैंने यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो इसमें अगर मैंने ट्रैवल किया तो यहाँ पे तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, वो बनेगी चार कार्बन एटम्स की, है ना. पर अगर मैंने यही क्या करा, यहाँ से चलने के बाद अब मैं नीचे आ गई, ठीक है, और अब मैंने इसको कवर किया. सो इन दिस केस कितने कार्बन हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी. तो लॉन्गेस्ट चेन इस समय हमारे पास 6 कार्बन एटम्स की है, तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? आपका ब्रांच. ठीक है, सो इसमें हमारा रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 के लिए हमारे पास क्या होता है? हेक्स. तो रूट वर्ड होगा हमारा हेक्स, राइट. अब दूसरा रूल देखते हैं.
branches to the parent chain is called substituent, and the position of the branch is indicated by the position of carbon atom to which it is attached. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज आपके पास ये कार्बन चेन है, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो कभी भी कंफ्यूज मत करना कि जो ये कार्बन है जो कि साइड्स में है ये ब्रांचेस हैं. ब्रांचेस कभी भी आपको साइड में नहीं मिलेगी. ये एक चेन है कार्बन की जिसके अंदर आपके कितने सारे कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये 6 कार्बन की चेन है. यू विल नेवर कंसिडर द कार्बन विच आर अटैच्ड इन द लास्ट, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कि ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, द कार्बन एटम्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द एल्काइल ग्रुप दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो क्या होता है, आप ये समझो कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है या जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ये एक तरीके से आपके घर में गेस्ट है, ठीक है. तो अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हो, बेस्ट चीजें देते हो जिससे कि दे फील कंफर्टेबल. ऐसे ही जो कार्बन की जो ये लॉन्गेस्ट चेन होती है जो कि इसकी बैकबोन है, उसमें जो भी आपका एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, उसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे. हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे दोगे, कि उस कार्बन को सबसे अच्छी रैंक मिलनी चाहिए. तो हमें पता है कि अगर आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो कौन सी रैंक सबसे अच्छी है, फर्स्ट रैंक सबसे अच्छी है. दैट इज वाई जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे कि जो कार्बन एटम है जिसमें ब्रांच अटैच्ड है, उस कार्बन एटम को सबसे लोएस्ट नंबर मिले. सो सपोज आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन एटम्स की चेन है और यहाँ पे एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. अब मुझे इस वाले कार्बन को सबसे अच्छी प्रायोरिटी देनी है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इसी कार्बन के पास मेरा मिथाइल ग्रुप या कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है. तो उसके लिए या तो मैं नंबरिंग कर सकती हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर मैं कर सकती हूँ राइट टू लेफ्ट, ठीक है. अगर मैं नंबरिंग करी लेफ्ट टू राइट तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5. और अगर मैंने इसी चीज को नंबरिंग करी इस तरीके से, कैसे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना. इन दिस केस यहाँ पे तो ये मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी प्रायोरिटी आ रही है 2, राइट, उसकी प्रायोरिटी है 2, और यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी है 4 इस वाले कार्बन की, तो उसकी प्रायोरिटी है 4. सो ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन ज़्यादा अच्छी है फोर्थ पोजीशन से. अगर क्लास में आपकी सेकंड पोजीशन आती है तो आप ज़्यादा खुश होंगे रेदर देन फोर्थ पोजीशन, राइट. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो नंबरिंग करेंगे वो करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-methyl, क्योंकि सबसे पहले प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारा आउटसाइडर एल्काइल ग्रुप है सबसे पहले प्रीफिक्स में हम वो लिखेंगे. उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारी जो रूट वर्ड है वो क्या है. तो रूट वर्ड हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी कितने कार्बन से बनी है, 5 कार्बन से, तो हम लिखेंगे पेंट. अब क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं और ये सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखूंगी यहाँ पे, एन. उसका नाम क्या होगा, 2-methyl pentane. ओके, सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. नाउ द लास्ट, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, देन द कार्बन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप और द कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो मिलती है वो मिलती है फंक्शनल ग्रुप को, और उसके बाद मिलती है एल्काइल ग्रुप को, ठीक है. तो कभी भी आपके किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है और आपके पास एल्काइल ग्रुप भी है, तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी होगी कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिले, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH, CH2, CH, OH and CH3, ठीक है. अब आपको इसकी नेमिंग करनी है. अब कैसे करोगे, अगर आप देखो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, अगर आप लेफ्ट टू राइट इसकी नंबरिंग करो तो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या मिलेगी, 1, 2, यहाँ पे 2 मिलेगी, राइट. और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिलेगी, पोजीशन 4th, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको पोजीशन मिलेगी 4th अगर हम नंबरिंग करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पर ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि हमें जो प्रायोरिटी देनी है हमें उस कार्बन को देनी है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, और फंक्शनल ग्रुप है आपका OH जो कि है अल्कोहल. तो हमारी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नहीं होगी बल्कि राइट टू लेफ्ट होगी. तो हम किस तरीके से नंबरिंग करेंगे,
आई विल नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल पुट दिस कार्बन इन टू फर्स्ट पोजिशन, दिस सेकेंड, दिस थर्ड, दिस फोर्थ एंड दिस फाइव. इससे क्या हो रहा है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल रही है, वेयर एज एल्काइल वाले को कम मिल रही है. कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्काइल वाले को कम मिल रही है, कोई इशू नहीं, पर जिसमें हमारा एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. आप सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रीफिक्स में क्या आएगा. प्रीफिक्स में हम लिखते हैं एल्काइल ग्रुप, तो हमारा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल. ठीक है, तो उसकी पोजिशन क्या है, मिथाइल की फोर्थ पोजिशन. सो आई विल राइट फोर मिथाइल. तो प्रीफिक्स तो मैंने लिख दिया, अब मैं लिखूंगी रूट वर्ड. तो रूट वर्ड क्या होगा, पेंट. अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ए एन. अब ई नहीं लिखूंगी, ई की जगह हमें क्या लिखूंगी, एल्कोहल का सफिक्स. सो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओ एल. और ये जो ओ एच है ये कौन से कार्बन एटम से अटैच है, सेकेंड कार्बन एटम से, तो उसका नाम होगा पेंटेन, फिर उसके बाद टू, फिर ओ एल. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू नेम इट. नाउ Let us see certain examples of organic compounds and let us see how to provide them IUPAC name. So, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि longest chain हमारी कौन सी होगी. So, longest chain, अगर मैं यहाँ से जाती हूँ till down, it will have only 3 carbon atoms. और if I go from here to here, it will be having 4 carbon atoms. और अगर मैं straight जाती हूँ तो again it will be having 4 carbon atoms. तो straight chain को select करना ज़्यादा आसान है. तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये एक पेरेंट चेन को चूज कर लिया. नाउ इसके अंदर हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस. एक ब्रांच तो ये है और एक ब्रांच ये है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स में हम क्या मेंशन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एल्काइल ग्रुप है और वो कौन से पोजिशन में है. तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकती हूँ 1, 2, 3, 4. आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इट विल बी 2, 3, क्योंकि आपको 2 और 3 इन दोनों पोजीशन पे आपकी एल्काइल ग्रुप है. उसके बाद क्योंकि ये दो मिथाइल ग्रुप है, दैट इज व्हाई आई विल राइट डाई मिथाइल. ठीक है, तो ये हो गया प्रीफिक्स. आप देखते हैं रूट वर्ड क्या आएगा. तो जो मेरी लॉन्गेस्ट चेन है दैट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, दैट इज व्हाई द रूट वर्ड विल बी ब्यूट. एंड क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है दैट इज व्हाई इट विल बी ए एन. और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इट विल बी ई. Okay, so the IUPAC name of this compound will be 2,3-dimethylbutane. Now let us see this compound. अब इस वाले compound में अगर मैं check करती हूँ कि मेरी longest chain कौन सी है, so obviously यही मुझे अपनी longest chain दिखाई दे रही है. ठीक है, अब जो इसमें alkyl group attached है वो अगर मैं left to right देखूंगी तो उसकी position कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इस वाले carbon पे ये मिथाइल ग्रुप मेरा अटैच्ड है तो उसकी पोजीशन होगी 5. पर अगर मैं इसको करूंगी राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट में क्या होगी, 1, 2, 3. सो ऑब्वियसली थर्ड पोजीशन बेटर है फिफ्थ पोजीशन से, दैट इज व्हाई जो मैं नंबरिंग करूंगी वो करूंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इट विल बी 1, 2, then 3, then 4, 5, 6 and 7. नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स में मेरे पास कितनी ब्रांचेस है, आई हैव ओनली वन ब्रांच, दैट इज व्हाई आई विल राइट 3 मिथाइल, क्योंकि जो ब्रांच है दैट इज एट थर्ड पोजिशन. उसके बाद मुझे लिखना है कि इसका रूट नेम क्या होगा. सो रूट नेम क्या होगा इसका, हेप्ट. तो HEPT, हेप्ट. एंड सिंस यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड है दैट इज व्हाई इट विल बी AN. और कोई भी आपके पास फंक्शन ग्रुप नहीं है दैट इज व्हाई इट विल बी E. सो इट्स IUPAC नेम इज 3-methylheptane. नाउ लेट अस कंसिडर दिस कंपाउंड. अब इस वाले कंपाउंड में क्या है, आपके पास ये वाला जो कार्बन है इसके पास दो मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, अगर मैं लेफ्ट राइट करूंगी तो ऑब्वियसली इसकी जो नंबरिंग मिलेगी वो होगी 4. और अगर मैं इसको करती हूँ राइट टू लेफ्ट तो उसको जो नंबरिंग मिलेगी वो मिलेगी 3. सो ऑब्वियसली 3 अच्छा है. सो आई विल नंबर इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. तो थर्ड वाला जो पोजिशन है, थर्ड वाले पोजिशन में जो कार्बन है उसके पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3, 3 उसके बाद हाइफन डाई. डाई क्यों, क्योंकि आपके पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, डाई मिथाइल. एंड देन जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है जो कि ये वाली है,
ये कितने कार्बन से बनी हुई है? इट इज मेड फ्रॉम 6 कार्बन, दैट इज वाई इट विल बी हेक्स. और सिंगल बॉन्ड है, दैट इज वाई इट विल बी AN. और कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है तो E लगाएंगे. तो 3.3 डाइमिथाइल हेक्सेन. अब नेक्स्ट चेक करते हैं ये वाली. अब इस वाली जो हमारी कार्बन कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड भी है, ठीक है. तो डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से अब कुछ चेंज आएगा सफिक्स में. सो इसको अगर हम नंबरिंग करें, सो इट विल बी 1, 2, 3 एंड देन 4, ठीक है. तो अब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें कोई ब्रांच तो है नहीं, कोई ब्रांच नहीं है तो आपके पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा. तो सीधा आपको रूट वर्ड से स्टार्ट करना है. तो रूट वर्ड में आपके पास कितने कार्बन एटम्स हैं? आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये होगा ब्यूट, ठीक है. उसके बाद आपके पास अब डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड कौन सी पोजिशन पे है? सेकेंड पोजिशन पे. तो मैंने इसको लिख दिया 2, ठीक है. और क्योंकि ये डबल बॉन्ड है दैट इज वाई इट विल बी ईन, ब्यूट 2-ईन. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस. अब इसमें आप देखो यहाँ पे आपके पास एक हैलोजन ग्रुप आ गया है विच इज BR, ब्रोमो, ठीक है. तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, तो लॉन्गेस्ट चेन को अगर हम देखें तो ये वाली अगर हमें चेन देखूं तो ये वाली चेन मेरी सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी. और इसके लिए मेरे पास ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को इस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है कि इसको सबसे अच्छी प्रायोरिटी मिले. तो चाहे तो मैं टॉप टू बॉटम करूँ या बॉटम टू टॉप करूँ, ये हमेशा सेकंड नंबर पे ही रहेगा, राइट. तो मैं सपोज उसको 1, 2 और 3 लिखती हूँ. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. तो मैंने आपको बताया था कि एक हैलोजन ग्रुप ही ऐसा है जो कि प्रीफिक्स में आता है, बाकी सब आपके सफिक्स में आते हैं. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2-ब्रोमो. ब्रोमो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप है. उसके बाद 2-मिथाइल, और उसके बाद आपका जो रूट वर्ड है वो क्या होगा? प्रोप. और ये सिंगल बॉन्ड है, दैट इज वाई AN और E, प्रोपेन, ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट 6th ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन ग्रुप भी है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप भी है और यहाँ पे 2-मिथाइल ग्रुप भी है. कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई है. तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लास्ट रूल था वो कहता है वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप. सो आई हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू दिस कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप. सो ऑब्वियसली माई नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इट विल बी 1, then 2, then 3, then 4 and then 5. सो आई हैव द पेरेंट चेन ऑफ 5 कार्बन्स. नाउ इसकी अब हम नेम देखते हैं. सो आई हैव 2-मिथाइल हेयर एंड 1-इथाइल हेयर. ओके, सो हम कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे पोजिशन इथाइल की. तो इथाइल कौन से पोजिशन पे है? सेकेंड. सो इट विल बी 2-इथाइल. उसके बाद कितने मिथाइल ग्रुप है हमारे पास? 2, जो कि अटैच है 4th पोजिशन पे. तो हम क्या लिखेंगे इसको? 4.4 डाई मिथाइल. डाई क्योंकि आपके पास 2-मिथाइल ग्रुप है. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें लिखना है रूट वर्ड. तो रूट वर्ड क्या होगा? 5 कार्बन एटम्स है, दैट इज वाई इट विल बी पेंट. सिंगल बॉन्ड है, दैट इज वाई इट विल बी AN. अब मैं E नहीं लिखूंगी. व्हाट आई एम गोइंग टू राइट कि कौन से पोजीशन पे मेरा अल्कोहलिक ग्रुप है, और अल्कोहलिक ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? OL. सो इट विल बी 2-इथाइल 4.4 डाई मिथाइल पेंटेन 1-ऑल. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट दिस कंपाउंड. तो ये अगर आप देखो, इट कंटेन्स एल्डिहाइड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस कार्बन को पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करते हैं एंड देन दे डू द रॉन्ग थिंग. तो आपको इस कार्बन को पेरेंट चेन में कंसिडर करना है, ठीक है. तो अभी जो आपकी ये पूरी चेन है, ये कितने कार्बन से बनी है? 1, 2, 3, 4, 5. मतलब कि यहाँ पे तो कोई ब्रांच है ही नहीं. एक आपको पेरेंट चेन मिल गई है जिसमें आपके कितने कार्बन एटम्स है? 5, ठीक है. और अब आप देखो, इसके फर्स्ट पे भी और इसके फिफ्थ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है AL. क्योंकि ये 5 है, दैट इज व्हाई आई विल राइट पेंट. एंड क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, दैट इज व्हाई आई विल राइट AN. अब E नहीं लिखूंगी. E की जगह क्या लिखूंगी? आई विल राइट द पोजिशन ऑफ एल्डिहाइड्स. तो पोजिशन क्या है? 1 एंड 5.
So I'll write 1, 5 and then Al. So its name will be pentane 1,5-al. Why al? Because ये aldehyde group है इसके अंदर. Now last, इसमें आपका कौन सा group है functional? इसमें है आपका carboxylic group. So obviously इस carbon को हम treat करेंगे कि ये आपकी chain में है, right? So it will be 1, 2, 3, 4. So it contains one branch and it contains carboxylic group and that is why the suffix will contain OH. Okay? उसका नाम क्या होगा? 2-ethyl, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे. उसके बाद क्योंकि आपकी जो ये पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन से बनी हुई है? 4 कार्बन से. सो आई विल राइट ब्यूट एंड देन आई विल राइट AN बिकॉज यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड है एंड देन आई विल राइट द पोजिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये फर्स्ट पोजिशन पे है एंड आई विल राइट OH एसिड. Now here is a question for you. You have this compound and then you have to write its name. First of all, look for the longest chain, then look whether it has some branches or not, then look whether it has any function group or not. Follow the rules and write its name. I'm very much sure you must have learned nomenclature very well. I'm going to meet you in the next session in which we are going to study about homologous series. Till then, bye-bye and take care of yourself.